पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का निजी जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 3 शादियां की। पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही खुदकुशी कर ली थी। अब उन्होंने खुदकुशी क्यों कर ली थी ये तो राम ही जाने जाने पूरी कहानी। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल का करीब 3 साल 10 महीने पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और गाली गलौज कर धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को एडीजी शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दोषी पाया है। बहस के बाद अदालत ने दोनों को सजा सुना दी है। अदालत ने धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को दोष सिद्ध वारंट बनाकर जिला जेल भेज दिया गया है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले का अभियुक्त पूर्व सांसद है, उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसका क्षेत्र में काफी नाम है, जबकि बादी मात्र सामान्य नौकर है। ऐसी स्थिति में बादी का डर कर अपने बयान से मुकर जाना अभियुक्त को कोई लाभ नहीं देता है, जबकि मामले में अन्य परिस्थितियों में साक्ष्य मौजूद है। मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंगल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अभिनव सिंगल का आरोप था कि संतोष विक्रम सिंह और अन्य 2 लोग पचहटिया स्थित साइट पर आए थे। वहां से असले के बल पर 4 पहिया वाहन से उनका अपहरण कर मोहल्ला काली कुत्ती स्थिति धनंजय सिंह के घर ले गए। धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गाली गलौज करते हुए उनकी फर्म को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव डालने लगे। उनके इनकार करने पर धमकी देते हुए धनंजय सिंह ने रंगदारी मांगी। किसी प्रकार से उनके चंगुल से निकलकर लाइन बाजार थाने गए और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने धनंजय सिंह को उसके आवास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से वह न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर धनंजय जेल से बाहर आया था। मुन्ना बजरंगी के गुरु की तस्वीर लेकर प्रचार किया बना विधायक। जौनपुर पुलिस के मुताबिक विनोद नाटे नाम के एक बाहुबली नेता हुआ करते थे। विनोद को कुख्यात मुन्ना बजरंगी का गुरु भी कहा जाता है। विनोद नाटे ने रारी विधानसभा से चुनाव जीतने के लिए खासी मेहनत की। उसी दौरान सड़क दुर्घटना में विनोद की मौत हो गई। इसके बाद धनंजय ने विनोद की तस्वीर को अपनी राजनीति का सहारा बनाया और लोगों की संवेदनाएं बटोरते हुए 2022 में वह रारी से निर्दलीय विधायक बने। 2007 में धनंजय ने जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर विधायक का चुनाव जीता। 2008 में धनंजय बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर 2009 में जौनपुर से सांसद का चुनाव जीत लिया। साल 2011 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद से धनंजय सिंह को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सफलता नहीं मिली। निजी जीवन उतार चढ़ाव बना रहा। 3 शादियां की। आगे सुनिए खबर। धनंजय सिंह की पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली थी। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में नवम्बर 2013 में गिरफ्तार हुई। इस मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय भी नामजद था। हालांकि बाद में जागृति से धनंजय का तलाक हो गया। वर्ष 2017 में धनंजय ने दक्षिण भारत के एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में शादी की। फिलहाल श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है। बनारस में हुआ काफले पर हमला। आपको बता दें, मुकदमा धनंजय सिंह और अभय सिंह वर्ष 2002 में आते आते एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। अक्टूबर 2002 में बनारस से जा रहे धनंजय के काफले पर नदेसर में टकसाल टाकीद के सामने गोलीबारी हुई। गोलीबारी में धनंजय सिंह के गनर सहित काफले में शामिल अन्य लोग घायल हुए थे। प्रकरण को लेकर धनंजय ने कैंट थाने में अभय सिंह सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा फिलहाल विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।